यानी जो प्रो इनकम्बेंसी वेव आ रहा है वाली बात थी, लेकिन देखिए इस बार अगर हम देखें त्रिपुरा में, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, सिर्फ यही नहीं नागालैंड में आफ्सपा को लेकर जो उनके मास्टर स्ट्रोक्स थे, उन्होंने जिस तरह की कोशिशें की उसका रंग आता हुआ नागालैंड में साफ दिख रहा है। लेकिन वहीं पर राजू जी जब आप बात त्रिपुरा की करें तो अब आप लोग जनादेश स्पष्ट क्लियर मैंडेट से पीछे दिख रहे हैं। तीन देखिए ये बहुत अर्ली रुझान है, अभी मुझे लगता है थोड़ा समय और रुक जाना चाहिए। आप मान के चलिए 35 से लेकर के 40 के बीच सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पे त्रिपुरा में रहेगी, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जिस तरह से पिछले 8-9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, मैं हर बार यही कहता हूँ कि ये वो नेशनल पार्टी है जिसकी आत्मा रीजनल है। और मुझे नहीं लगता कि आजादी के इतने वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट को कभी हमने इतना सीरियसली लिया, ना ही कांग्रेस ने लिया। आज कम से कम जो है पिछले 8-9 सालों में 5,00,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को जो है फर्क महसूस करते हैं और वो साफ दिखता है, और मुझे लगता है कि सब बातें सारी ठीक है आपकी। आप ये बताइए अभी तक तो आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं 27 पर बीजेपी, त्रिपुरा मोथा पार्टी 13 पर, तो ऐसे में बीजेपी टीएमपी के साथ जाएगी। अब तो लेफ्ट और कांग्रेस भी अपनी संभावनाएं टीएमपी के साथ खोजेंगी ही, क्योंकि अगर इन्हीं आंकड़ों को माने तो बिना टीएमपी की किसी की सरकार नहीं बन सकती है। देखिए मैं अपनी बात स्पष्ट पार्टी की ओर से ये कह सकता हूँ कि हम कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है, हर स्टेट में अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। हम आइडियोलॉजी अपने आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी रीजनल पार्टियां हैं वो हमारे साथ जुड़े। सुप्रिया जी, ये ऐसा आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र में ऐसा हुआ है। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इस सरकार की है जिसमें पूरी ताकत उन्होंने झोंकी, उसका असर दिख रहा है नागालैंड में। क्लियर मैंडेट एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन को, यहां पर अभी वो फिसले हुए हैं, देखिए क्या क्या बनता है। एक आपके लिए ऑप्शन अब खुला हुआ है कि आप लोग सक्रियता दिखाएंगे और त्रिपुरा मोथा के प्रद्योत माणिक्य से बात करेंगे, और आपकी पार्टी के नेता सब क्यों पीछे रह जाते हैं प्रचार में आजकल, ये कॉम्प्रिहेंड करना समझना मुश्किल हो रहा है। दोनों पर आपका जवाब। नहीं, सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया, कितना सब कुछ हो गया। दो बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेघालय में जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जाते हैं, और मेघालय की सरकार का हिस्सा था, भारतीय जनता पार्टी हिस्सा रही, दो मंत्री उनके बगल में बैठे हैं, और वो स्टेज पर जाकर कहते हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे तो इस सरकार के खिलाफ एक आयोग गठित करेंगे जो सारे करप्शन चार्जेस को देखेगा। प्रभु, आप ही उस सरकार का हिस्सा है, आप ही के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेस है, तो किसके खिलाफ फोन खोलिएगा? ये अवसरवादी राजनीति नहीं चल सकती है। त्रिपुरा में मैं जरूर बोलना चाहती हूँ और फिर से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश को ये सुनाई देना चाहिए और पता चलना चाहिए, 1000 बाइक वाहिनी वाले जिनके ज्यादातर नंबर उत्तर प्रदेश के थे, हेलमेट पहनकर लोगों को पीटने का, डराने का, धमकाने का, रक्त रंजित राजनीति का काम करते थे, इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी बोल दे। कोहिमा के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी और अपने संवाददाता से भी जरूर पूछिएगा, समीकरण क्या बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोहिमा में पानी की ये समस्या है कि लोग कपड़े धोने के बाद या बर्तन साफ करने के बाद वो पानी बचा कर रखते हैं शौचालय के लिए। ये राज्य की राजधानी की समस्या है जब जल की यहाँ नल से बात होती है, वो बात अलग है। जहां तक आपने सक्रियता की बात करी, और मैं इस बात से बिल्कुल नकारती नहीं हूँ कि बिल्कुल और सक्रिय होना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, और मुखरता से जाना चाहिए। सक्रियता दो तरह की होती है, एक चुनाव के पहले, एक चुनाव के बाद। देखिए मेघालय में आपकी जो सक्रियता कम दिखी, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोहिमा से जुड़ चुके हैं। सक्रियता बीजेपी ने जो दिखाई थी मेघालय में, वो सरकार में शामिल हो गई थी और 21 सीटों के बावजूद कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई थी। एक बार कोहिमा चल जाते हैं, हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल कोहिमा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब तो कम से कम मेघालय और त्रिपुरा के आंकड़ों में बड़ा फेरबदल जरूर हो रहा है, लेकिन नागालैंड में स्थिति जस की तस बनी हुई है, तो वहां पर अब आगे की क्या है तैयारी? मुख्यमंत्री कब सामने आएंगे, मीडिया से कब मुखातिब होंगे, क्योंकि वहां का आंकड़ा बीते एक घंटों से 38 पर ही बना हुआ है बीजेपी प्लस के लिए। बिल्कुल,
देखिए रुझान जिस तरीके से अब जो सामने आ रहा है वो लग रहा है स्पष्ट तरीके से जो एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन का जो सरकार है वो बनने वाला है। लेकिन हमें जैसे बताया गया था कि मुख्यमंत्री फिलहाल मैं जैसे दिखा रहा था कि मैं उनके आवास के बिल्कुल सामने हूँ। दरअसल ये खूबसूरत पहाड़ियों के बीच उनका ये सुंदर सा आवास है, लेकिन हमें बताया जा रहा है अभी भी उनकी उनको वो बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, उसमें अभी भी देरी है क्योंकि दिन के दूसरे भाग तक वो अंदर ही रहेंगे घर में, ऐसे हमें बताया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि फिलहाल दीमापुर जो कि यहाँ से नीचे है और 2 घंटे की दूरी में है, वहां पर बीजेपी के जो दिल्ली से नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो नेता है वहां पर तैयारी हो चुकी है। एक तरीके से अंदाजा उनका ये था कि सरकार बनाने में वो सक्षम रहेंगे। दरअसल हमने जिस तरीके से हम बात करें कि इस प्रचार में हमने देखा तमाम नेता खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पुरजोर कोशिश की गई, मशक्कत किया गया था। अमित शाह का गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचते तो बहुत अहम कुछ बातें रखते जो नागालैंड की खुद अपने मुद्दा है, हालांकि पूर्वोत्तर भारत की इन क्षेत्र में डेवलपमेंट है उसके लिए लोग तो बहुत दिनों से मोहताज थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई अन्य मसला है जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपको बताना चाहूंगा जिस कोहिमा से फिलहाल मैं लाइव हूं, इस नागालैंड के कुल 72 ऐसे पुलिस स्टेशन है जिनमें से हाल ही में 15 पुलिस स्टेशन से जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटाया गया है। लेकिन ये इस तरीके से वादा किया गया है गृहमंत्री की तरफ से कि आने वाले 3-4 सालों में हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से जो अफसा है उसको हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से। और लोग भी ये चाहते हैं, मैं बारी बारी में लोगों से बात भी किया कोहिमा से और कोहिमा के दूर जितने भी जगह है वहां तक भी पहुंचा मैं। मैं पहले मौन डिस्ट्रिक्ट में भी गया था कभी, जब वहां पर जो बिल्कुल म्यांमार से सटे हुए इलाका है उनके अलग से मुद्दे है, डेवलपमेंट भी है, उसके साथ साथ वहां पर जो मिलिटेंसी का बॉर्डर पर बॉर्डर पर शांति लोग चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गए भी थे।